गरीब के पेट पर लात हमेशा बजते हुए आपने देखी है। इससे ये कोई नई बात नहीं है जो आज आपको हम दिखाने वाले हैं। इससे पहले भी हमेशा गरीब के पेट पर लात बजती हुई हमेशा नजर आई है। हमेशा म्यूनसिपैलिटी का पंजा जो है वो गरीबों पर ही बजा है, किसी बड़े कारोबारी के ऊपर कभी पंजा नहीं बजा। आज ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इंदिरा चौक के बैक साइड से। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी ने आकर जितने भी रेड़ी फड़ी वाले थे या जितने भी कारोबारी, छोटे मोटे कारोबारी जो सब्जी या फिर छोटे मोटे खलौने वगैरह बेच के अपना रोजी रोटी या अपने बच्चों की रोजी रोटी कमा के ले जाते थे, आज उनसे वो रोजी रोटी छीन ली गई है। तस्वीरों में आप पूरी तरीके से देखें पूरी रिपोर्ट क्या है, देख सकते हैं तस्वीरों में पूरी तरीके से क्या रिपोर्ट है। कुछ यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिरकार मामला पूरा क्या है। लेकिन मैं आज 67 मेरी एज है और मैंने जिंदगी में ये नहीं देखा दिन को डाका डालना और 4 बजे डाका डाला इन म्यूनसिपैलिटी वालों ने, और मैं इनको शेम 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 म्यूनसिपैलिटी को देता और वीडियो का धन्यवाद करता हूँ। मरना तो है, गरीब आदमी ने मरना तो है, लेकिन ये गरीबी हमने नहीं देखी। 4 बजे टाका यहाँ जई आया, यहाँ फोटो खींचे, यहाँ सर्वे हुए, यहाँ लोन मिला, आज आगे लोगों का सामान उठाने के ये जम्मू के लोगों को आज मैं बताना चाहता हूँ। और शेरे आम कर्नल साहब, इनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए सलाखों के अंदर, और इसके लिए मैं बीजेपी का एक सदर हूँ और हेल्पर हूँ और किसी एमएलए ने बनाया है। और आज मैंने ये देखा बीजेपी में रहते हुए ये डाकू कहाँ से आ गए। लेकिन शाबाश देता हूँ इस पुलिस को, मुबारक के आधार है, जिन्होंने ये ना होते तो आज कितने बच्चे जख्मी होते। आज तक भाई साहब यहाँ से गए, किसी को तंग नहीं, ने साहब आए किसी को तंग नहीं। आपको हम बता देंगे फिर भी छीन के ले गए। पहले सरकार पैसा देती है, कोई काम करो, कोई चोरी नहीं करो, कोई गंदा धंधा मत करो, मेहनत करो, काम करके खाओ। आप यहाँ पर आप क्या करते थे, आप यहाँ पर क्या करते थे, क्या काम करते थे? देती है फिर हमारा सामान उठवाती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप यहाँ पर क्या काम करते थे? हम कभी सब्जी बेचते, कभी कुछ बेच लेते, हम अपने बच्चों का पेट पालेंगे, क्या कर सकते, नौकरी तो कोई देगा नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं, जो एसी के नीचे जाएंगे, ऑर्डर चलाएंगे, गरीबों के पेट पर लात मारेंगे, ये धंधा तो हमारा है नहीं कि हम सरकारी नौकरी गरीब के जाके ना लात मार देंगे, उसे पैसे छीन लेंगे, ये तो हमारे पास है नहीं। हम रोड पे बैठ के दो पैसे कमाते, अपने बच्चों का पेट भर लेते हैं, उसमें भी नहीं इसको तकलीफ है, इसको थापा को तकलीफ किसी को नहीं है। हमारे साहब अच्छा साहब कुछ नहीं बोलता, कमेटी वाले भी अच्छे, कमेटी वाले नहीं बोलते, कमेटी वाले को फोन करके बुलाया गया इधर, सारे एकदम से चोर की तरह सामान उठाया हमारा, चोरों की तरह, और पैसे कोई नहीं खाता, कोई भी पैसे नहीं खाता। 60 साल कोई 60 साल कोई 60 साल का यहाँ बैठा हुआ है, आज उनको म्यूनसिपैलिटी ने जो डाका डाला ये डाका मैं 60 साल की उम्र में कभी याद रखूंगा। ये जो बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर इन लोगों का यही कहना है कि म्यूनसिपैलिटी ने इनकी कारोबार पर जो है वो डाका डाल दिया है। यहाँ पर जितने भी रेड़ी फड़ी वाले लोग थे जो दिहाड़ी लगाकर उसके बाद यहाँ पर अपना कारोबार करके रात का खाना खाते थे, उनका रोजी रोटी जो है वो छीन है कहीं ना कहीं। और इनकी साफ तौर पर यही कहना है, आप तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है किस तरह से जो है आप देखें यहाँ पर हाल, लोग बेहाल हो चुके हैं, इनके पेट पर एक तरीके से लात मार दी गई है। यहाँ पर जितने भी लोग आप देख, आपको पता होगा कि कितने लोग यहाँ पर अपना कारोबार चलाते थे। ये बिल्कुल तस्वीरें जो हैं ये इंदिरा चौक के बैक साइड वाली साइड की थी, और यहाँ पर लोग किस तरह से बेहाल होकर बैठे हैं। माता जी
आंटी जी क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ आज मामला? भाई हम तनु कहा हमारी रोटी रोजी रण दे आड़े लागी रण दे करण दे खान दे हम तनु कहा हुआ क्या हुआ कब हुआ और क्या हुआ? ये घंटा हो गया एक तो आके कुछ बोला उन लोगों ने आपको? कुछ नहीं बोले हमारे को ऐसे वो खोसा तानी करियर लेके क्या करा कंडे कुंडे सब लेके सामान सामान कहाँ छोड़ा ले गए आपका? ले गए सामान छोड़ा कहाँ छोटे थे कहाँ तभी थे जनानियाँ रो रही है बेचारी सब इनके बच्चे बंदे बंदे रखे थे कपड़े सब ले किसी का मसाला किसी का कुछ तो बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर यही कह रही हैं कि गरीब के पेट पर जो है हमेशा लात मारी जाती है। किसी बड़े नेता की बात अगर करें या किसी अच्छे कारोबारी की बात करें तो वहाँ कोई उनको नहीं पूछता, लेकिन इस तरह के जो गरीब लोग होते हैं जो पूरा दिन मेहनत करके शाम को अपने बच्चों को रोटी रोजी देते हैं और पूरा दिन कमाई करने के बाद सिर्फ शाम की रोटी इनको मिलती है, आज वो भी छीन ली गई, आज उनसे ये रोटी भी छीन ली गई है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देखें यहाँ पर औरतें किस तरह से बेहाल हुई हुई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके चेहरे, इनके इन लोगों का हाल देखें किस तरह से क्या सोच रहे होंगे कि आज शाम को बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्योंकि जो कुछ भी था इनके पास वो भी म्यूनसिपलिटी उठा के गाड़ियों में भर भर के ले गई है। आज इन लोगों का और शायद इन लोगों के पास कोई लीडर आए या ना आए, क्योंकि इन गरीबों का कोई नहीं है, इन गरीबों के पास तभी आते हैं जब वोटों का टाइम होता है। आज इनकी पेट पे लात बजी है, रोजी रोटी चुरा ली गई है, आज कोई नहीं है सुनने वाला इनके पास। ये तस्वीरें आपको इंदिरा चौक के बैक साइड से हम दिखा रहे थे और अपनी राय आप कमेंट में ज़रूर दें। फिलहाल ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े रहें जेके प्राइम मीडिया के साथ, मुझे दे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।